जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कुछ खास बातचीत करेंगे। आप ज़रूर जुड़िएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उनका समाधान का भी रास्ता आपको बताएंगे। इस दुनिया में कई तरह की बीमारियां होती है, कई तरह के लोग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं, बहुत कुछ बदला हुआ होता है। जब मैं स्वयं आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ा, तब से आज तक मैंने कई तरीके के उतार चढ़ाव देखे मेरी ज़िंदगी के, दूसरे लोगों के, और कुछ और भी है, वो सब कुछ देखा। लेकिन अध्यात्म खोज में हमने बहुत कुछ पाया भी है, जो कि पिछले समय में, जिस समय में अध्यात्म से नहीं जुड़ा था, उससे पहले भी बहुत कुछ हमने खोया। उसके विचार, उसका पछतावा आप कहेंगे कि क्या करना था, क्या नहीं किया, लाइफ को कैसे चेंजिंग किया, ये सब अध्यात्म जुड़ने के बाद में बहुत कुछ अनुभव हुआ। ये दुनिया रंग बिरंगी है, इस दुनिया में भ्रमण करना, इसकी यात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे तो हर कोई कर सकता है, जीना और मरना दो शब्द जुड़े हुए हैं हर किसी की ज़िंदगी में, लेकिन वो एक यात्रा नहीं है। हकीकत की यात्रा कुछ और होती है। आज जिस समय मैं उस लेवल तक हूँ अध्यात्म ज्ञान के, जो काश मैं जन्म से अगर इस लेवल पर होता तो बहुत कुछ परिवर्तन होता। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी, जो भी हमारे साथ में YouTube पर जुड़े हैं, आप भी अध्यात्म ज्ञान में जुड़े और अच्छे संस्कारों का, अच्छे ज्ञान का, पारिवारिक तौर पर अपनी संतान का, हर तरीके से उनके विकास की ओर सोचे और अच्छी से अच्छी उनकी देखभाल करें, उनको ज्ञान दें। और विशेषकर चाहे कोई भी, चाहे करोड़पति है, अमीर है, गरीब है, वो मैं नहीं कह रहा। बहुत से लोगों का सोचना होगा कि हमारे पास तो सब कुछ है, आप क्या बता रहे हैं। लेकिन मैं उस धन दौलत के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ज्ञान के बारे में, मैं एक भौतिक जीवन के बारे में और अध्यात्म जीवन के बारे में उसका वर्णन बता रहा हूँ। कि अगर अध्यात्म ज्ञान जिस भी इंसान के पास में है, शायद वो इंसान इस दुनिया से थोड़ा अलग महसूस करता है। और जो लंबे समय से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म ज्ञान में है, वो बहुत कुछ अलग महसूस करता है। वो अपने आप को एक विपरीत समझता है इस दुनिया से, कि यार हकीकत में ये दुनिया क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। ये अपने मन में पछतावा होता है। हमारे भी मन में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ पछतावा होता है, लेकिन क्या करें, ये दुनिया रंग बिरंगी है। इसमें तो बहुत से लोगों का अलग अलग दिमाग है, सभी का अलग दिमाग है, सभी की सोच अलग है, सभी के विचार अलग है, सभी का जीवन यापन है वो अलग है। अब किस किस को समझाए कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। प्राचीन काल में जब छोटे से बड़े होते थे, उनको गुरुकुलीन शिक्षाएँ मिलती थी, तो उनके व्यवहारों में, उनके कल्चर में बहुत कुछ अंतर होता था। आज के समय में क्या है, आज के समय में बस ज़्यादातर किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान है। लेकिन लाइफ चेंजिंग के लिए व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ें, अध्यात्म की खोज करें, अध्यात्मिक विचारों को अपनाएं, अपने जीवन को कुछ उस कोटि की तरफ, उस एक विशेष अनुभव की तरफ ले जाएं। जब तक अध्यात्म में इंसान नहीं होगा, तब तक उसको आगे पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अगर अच्छे किए, बुरे किए, उसका समझ नहीं होगा, उसका परख नहीं होगा। ऐसे सबके मन में होता होगा। अब जैसे ये मैंने कहा ना, बहुत से लोग जो वीडियो देखने वाले होंगे, उनके मन में हो रहा होगा कि यार हमें सब पता है क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन ये है ना, ये बहुत से लोग कहते हैं
कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान में जाने के बाद में जब उसके कुछ समय निकल जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तब उसको पता चलता है यार उस समय किया था वो मैंने गलत किया था, मेरी सोच में जो था विचार वो गलत था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमको ऐसे करना चाहिए था। तो ये एक अलग सोच होती है। इसलिए कहता हूँ कि अध्यात्म ज्ञान और मनुष्य का वर्तमान किताबी ज्ञान है जो एक अलग व्यवहारिक ज्ञान है, वो अलग है, बहुत कुछ परिवर्तन है उसमें। आप अध्यात्मिक ज्ञान में पढ़िएगा, थोड़ा बहुत लीजिएगा, अगर आपको ऐसे पता ना चले आप जप कीजिएगा, किसी भी मंत्र से जुड़िएगा, और विशेषकर अध्यात्म में जोड़ने के लिए माँ गायत्री का लीजिएगा या हमारा जो गुरु मंत्र है उसका आप जप कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ज़िंदगी में बहुत कुछ होगा। आज लोग, मैं लाखों लोगों को देख रहा हूँ कि अपने बुद्धि और अपने माइंड की वजह से वो बहुत कुछ भटक रहे इस दुनिया में, खुद की सोच की वजह से। जब उनको लोग कहते यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कर, तो वो बोलते यार हमने किया, ये अच्छा किया वो किया, और उन्हीं के किए की वजह से आज वो लोग भटक रहे इस दुनिया में, और मैं देख रहा हूँ उनको। जो काफ़ी समय हमने स्वयं में, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमने कहा था कि कुछ ऐसे मत करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, आज वो भटक रहे हैं, अब वो पछतावा कर रहे हैं, अब क्या करें उनका। इस दुनिया में क्या है, दुख ज़्यादा और सुख कम है, तो सुख की खोज में रहना है तो अध्यात्म को अपनाना पड़ेगा, माइंड को स्थिर करना पड़ेगा और अपने विचारों से कुछ हटना पड़ेगा, तब जाके ही अध्यात्म में बढ़ा जाएगा। अध्यात्म की खोज हर कोई नहीं कर सकता, अध्यात्म को पाने वाला एक, जिसके कोटि कोटि जन्मों में कोई दान पुण्य का इच्छा होता है ना, वही अध्यात्म की ओर जाता है। बाकी ज्ञान बांटने वाले होते हैं ना, वो हर कोई ज्ञान बांटते होंगे, अभी आप सोचेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो बात कही है बहुत से लोगों के मन में उतार चढ़ाव होगा कि यार क्या सिखा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन हकीकत बोल रहा हूँ, जो इस दुनिया में हो रहा है वही हकीकत बता रहा हूँ। आप जुड़िएगा और अध्यात्म के संबंध में और भी कोई बातचीत करनी है हमसे करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं जहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा और एक जीवन की लहर को परिवर्तन कीजिएगा। हो सकता है हमारे चैनल पर आपको कोई वीडियो गलत लगे हो या किसी साधना के बारे में कोई उचित ना लगा हो, लेकिन क्या कहूँ कि अध्यात्म सफ़र है ना हमारा, एक ज़िंदगी को बदल दिया उसने, बस ज़्यादा कुछ बताने के लिए शब्दों में कुछ नहीं है कि हमारे माइंड को ही उसने परिवर्तन कर दिया, चाहे हम कैसी भी स्थिति में हैं, किस भी तरीके से हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान एक अलग है। हमने भी वो सब किया जो हर दुनिया में किताबी शिक्षाएं लेते, डिग्री डिप्लोमा लेते, वो सब है हमारे पास में, कई सारे डिग्री डिप्लोमा भी हैं, हम ऐसे नहीं है कि कोई अनपढ़ है या कोई फकीर है, वो हम नहीं हैं, हम केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, हमारे पास में भी कई मास्टर डिग्रियां वगैरह सब हैं, हम कोई ऐसे वैसे भी नहीं हैं, लेकिन हम अध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं कि अध्यात्मिक ज्ञान की डिग्री हर कोई नहीं ले सकता, अध्यात्म ज्ञान की डिग्री है, डिप्लोमा है, वो अलग है। इस डिग्री को पाने के लिए इंसान को अपने विचारों से विपरीत होना पड़ता है, अपने रूटीन से विपरीत होना पड़ता है, अपने स्वभाव को कंट्रोल करना पड़ता है और एक अलग तरीके का महसूस करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। अध्यात्म की डिग्री कौन ले सकता है? जिसकी मैंने बताया ना, जिसकी कोटि कोटि जन्मों में दान पुण्य का इच्छा होता है, वही अध्यात्म की डिग्री ले सकता है, अध्यात्म को पा सकता है और अध्यात्म के रास्ते पर चल सकता है। मंत्र जप करने से या कोई भी छोटी मोटी साधना करने से कुछ नहीं होता है, कोई भी मंत्र जप है उसका अभ्यास करने से, कुछ दिन साधना करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो कोई अध्यात्म नहीं है। किसी भी शक्ति की आप साधना करते हैं,
वो कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म एक अलग महसूस है, अलग लाइफ है, अलग जीवन है। हम भी सब कुछ करते हैं, साधनाओं में सफ़र भी हमारा बहुत रहा है, लेकिन अध्यात्म का सफ़र है वो भी हमारा अलग है। उस लेवल पर पहुँचना एक हम वही जाने कि उस मालिक की, उस खुदा की, उस भगवान की एक कृपा है कि हमको उस लेवल तक, हमारे माइंड को उस लेवल तक पहुँचाया जहाँ पे हम कभी ज़िंदगी में हमने सोचा नहीं था कि अध्यात्म जीवन से, अध्यात्म ज्ञान से क्या जीवन में परिवर्तन होता है, क्या हासिल होता है, क्या कुछ महसूस होता है, क्या अनुभव होते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस सब की परख अपने आप ही होती है। ये हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज वो सब कुछ हो रहा है और सामने, आंखों के सामने हो रहा है। आप सब भी जुड़िएगा अध्यात्म की ओर और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा, अपने जीवन को बदलिएगा और एक निर्वाण की तरफ, मोक्ष की तरफ। और भटकते हुए एक मनुष्य क्या है, एक भटकता हुआ इंसान है, एक भटकता हुआ एक देवता ही मानो ना, भटकता हुआ देवता है, जो चाहता है वो करता है, लेकिन बिना अध्यात्म के कुछ नहीं करता है। केवल डिग्री, डिप्लोमा या किसी भी तरीके से काम धंधे करके कुछ नहीं पा सकता है वो। अध्यात्म में जुड़ेगा तो सब कुछ पाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ।